हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है सुबह का 5:30 और जस्ट अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई है और मेरे पीछे एक मोर ठीक पंख फैलाए हुए हैं। तो चलो गाइस, फटाफट टेंट के बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट। तो गाइस, आज तो बाहर बहुत ही शानदार हवा चल रही है, वो भी सुबह 5:30 मॉर्निंग में। तो ये एक फ्रेश एयर शॉवर हम फटाफट लेते हैं और फिर हम जल्दी से चलते हैं नीचे, बिकॉज़ वहाँ थेरेपी जाना है। तो वहाँ की अपन प्रिपरेशन करेंगे, फटाफट चलेंगे। बट आज मज़ा बहुत आ रहा है सुबह मॉर्निंग में। कल तो हवा नहीं चल रही थी, आज ज़रूर हवा चल रही है। लो गाइस, रचित और उसकी फैमिली वालों ने मेरी कॉपी कर ली। अब ये लोग भी रूफ पे सोने लग गए। कॉपी कैट। तो गाइस, सनराइज हो चुका है और मैं नीचे से पेपर ले आऊँ तो मैं यहाँ पे बैठ के पेपर पढ़ूंगा बढ़िया। अब मैं 10-15 मिनट बढ़िया फ्रेश एयर शॉवर लूँगा। देखो कितनी बढ़िया फ्रेश एयर चल रही है। हवा से मेरे टेंट भी टेढ़ा हो गया। प्ले सम म्यूजिक। गाइस, 6:15 हो रहा है और अभी सब लोग सो रहे हैं, बस मैं ही जाग रहा हूँ खाली। आई एम अ गुड बॉय। सब सो रहे हैं, देखो रचिता एंड फैमिली भी सो रहे हैं, है ना। और इन्होंने भी कॉपी करके मेरे जैसे इन्होंने भी अपनी बालकनी के गेट रात भर खोल के रखे। इन्होंने भी अपना बेड लगा लिया यहाँ पर। दैट्स व्हाई आई एम रियल इन्फ्लुएंजा। तो गाइस, जल्दी से पैकअप कर लेते हैं, बिकॉज दादी बोलती थी कि है ना, सूरज चढ़ने के बाद में बेड लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो चलो पैकअप कर लेते हैं। फाइनली मैं पिकअप पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है, बस अब मैं वेट कर रहा हूँ अपनी वैन के आने का। 2-3 मिनट में वो भी आई जाएगी, देन आई विल गो टू माय थेरेपी सेंटर। वो थेरेपी सेंटर नहीं है, वो गांव है और गांव में एक सर हैं, वो अपने हाथों से प्रेशर डालते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। अभी वैन से नीचे आए और फटाफट जाके थेरेपी ले लेते हैं। लेट्स गो। गाइस, थेरेपी तो हो गई, अब अपनी पार्टी शुरू करते हैं। सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक। इनका नाम रंजीत भैया है, यही हमें लेकर आते हैं वैन में। और इनका बर्थडे आता है 18 सितंबर को। ऐसे कर दो आप। गाइस, जस्ट अभी मैं भोपाल पहुंचा हूं और मैंने अपनी जस्ट अभी चाय फिनिश करी। अब चलो यहां से मेरी सुपर पावर से चलते सीधा घर। लेट्स गो 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 गो। सो चलो गाइस, शाम का 6 बजने वाला है और चलते हैं सीधा डैम विद माय सुपर पावर। गो 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 गो। लो गाइस, मैं अपनी सुपर पावर से 1 सेकंड के अंदर डैम के पास पहुंच गया हूं। और अभी सीढ़ियों के ऊपर तो थोड़ा लेट चलेंगे, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है।
चलो गाइस लिफ्ट लेके देखते हैं कि आपको अपने को लिफ्ट देता है कि नहीं। और गाइस देखो मुझे कूल राइडर्स मिले हैं, इनकी कूल बाइक, और ये लोग राइड पे जा रहे हैं अभी। आई थिंक उनका ग्रुप इकट्ठा हो रहा है अभी धीमे धीमे। तो अभी दो बाइक हैं और भी बाइक आएंगी शायद से। लेट्स सी। यहीं से पता चल रहा है कि मौसम कितना ही कतल हो रहा है ऊपर। अमेजिंग। वैसे कैमरा रहेगा तो कोई भी गाड़ी लिफ्ट नहीं लेगी, आई डोंट थिंक सो। तो गाइस राइडर लोग पे आने में तो बहुत टाइम है अभी, बट जब तक मेरे पूरे सिग्नेचर शॉट्स निकल जाएंगे और लिफ्ट लिफ्ट का आइडिया रहने दो, बिकॉज बहुत सारे पुलिस वाले निकल रहे हैं। तो चलो मेरी सुपर पावर से चलते हैं सीधा डैम के ऊपर। गो 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 गो। लो गाइस मैं अपनी सुपर पावर से एक सेकंड के अंदर मैं डैम के ऊपर आ गया हूँ। गाइस वो बोलते हैं ना कि नेचर अपने आप को बैलेंस करके चलती है। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है यहाँ पे वेदर उतना ही ज़्यादा कूल होता जा रहा है। लाइक आई थिंक शायद 3 or 4 o'clock से क्लाउडी वेदर स्टार्ट हो जाता है और हवा भी अच्छी चलती है जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आई थिंक सो। गाइस ये बॉटल को पूरे टाइम कैरी करते हुए लेके चलना नॉट अ गुड आइडिया, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इससे ऐसा लगेगा कि किसी की बॉटल रखी हुई है, कोई इसे टच भी नहीं करेगा। चल पास। गुलाब अब भी है मेरी किताब में, तेरा गुलाब अब भी है, तेरी खुशबू से मेरा मन आबाद अब भी है। भुलाई जाती नहीं यादें पहली मोहब्बत की, भुलाई जाती नहीं यादें पहली मोहब्बत की, मेरे पर्स में तेरी एक तस्वीर अब भी है, मेरे पर्स में तेरी एक तस्वीर अब भी है। बताऊँ तुझको क्या की क्यों तुझे मिस कॉल किया है, तुझे फिर देखना है इसलिए अनब्लॉक किया है। अब क्या होता है ना प्यार, मतलब हाँ ठीक है बात बात छोड़ना हो गया या बात भी नहीं होती है, बट फिर भी कहीं ना एक झील ऐसी होती है, केयर होता है इतने सालों बाद भी। तो उस पर लिखा है, उम्मीद है कि महबूबा खूबसूरत है, उम्मीद है कि महबूबा खूबसूरत है, उम्मीद है कि नहीं अब मेरी ज़रूरत है, उम्मीद है कि करती होगी बातें प्यारी प्यारी, उम्मीद है कि करती होगी बातें प्यारी प्यारी, उम्मीद है कि देती होगी चूम के चाय की प्याली, उम्मीद है कि देती होगी चूम के चाय की प्याली। अब मेडिकल के स्टूडेंट और हेल्थ की बात ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उम्मीद है कि कंट्रोल अपना कोलेस्ट्रॉल किया है, उम्मीद है कि तूने कंट्रोल अपना कोलेस्ट्रॉल किया है। बताऊँ तुझको क्या की क्यों तुझे मिस कॉल किया है, तुझे फिर देखना है इसलिए अनब्लॉक किया है। ग्रेट। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा कि कितनी बढ़िया पोएट्री अनु ने लिखी, अनु गोस्वामी फ्रॉम BUMS। तो चलो मैं इसको पोस्ट करूँगा, शी गिव मी द परमिशन टू पोस्ट इट ऑन माई ब्लॉग। तो चलो गाइस अभी ऊपर चलते हैं, लेट्स गो। गाइस चढ़ने वढ़ने की मेहनत अपन नहीं करते, अपन तो सीधा अपनी सुपर पावर से चलेंगे। लेट्स गो 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 गो।
लो गाइस सुपर पावर से एक सेकंड के अंदर डैम के ऊपर। गाइस शाम होती यहाँ पे हलचल बढ़ रही है, ऑलमोस्ट अभी 7 o'clock हो रहा है बट अभी भी काफ़ी लाइट है, तो अभी ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारा चांस। गाइस बेट्स आ चुकी हैं, फर्स्ट साइन टू गेट बैक टू होम। गाइस ऐसा लग रहा कि ये ना बैटमैन आने वाला है, इतनी सारी बैट्स मून के उधर से निकल के आ रही हैं। सो गाइस शॉवर लेने के बाद मैं अपनी रूफ पर आ गया हूँ। ये मेरी मैट है, ये मेरा टेंट है, ये मेरा ब्लैंकेट है, और ये मेरा बैग है, ये मेरी बॉटल है, और ये रहा मून, फुल मून। तो चलो गाइस फटाफट टेंट लगाते हैं और टेंट के अंदर चलेंगे। सो गाइस फाइनली मेरा टेंट रेडी है, वो मेरा उसको क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं यार इसको, ये मेरा बॉक्स है, म्यूज़िक बॉक्स। सो गाइस फाइनली मेरा टेंट रेडी है, वो मेरी बॉटल, वो मेरा बैग, वो मेरा म्यूज़िक बॉक्स। सुबह उठते से ही मैं प्ले करता हूँ जो, और ये रहा मून फिर से। गाइस आज के व्लॉग में हमने बहुत मज़े किए, थेरेपी ट्रिप के मज़े लिए, फिर वापस आके डैम गए, डैम पे भी बहुत मज़े किए, अनु गोस्वामी की पोइट्री सुनी, और अब रात में टेंट में मज़े कर रहे हैं, तो सुबह से शाम तक बस चिल ही चिल और फन ही फन। तो चलो गाइस इसी क्लिप के साथ इस व्लॉग करते हैं हम दी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आस्ता ला विस्ता, आडियोस अमिगोस, चाओ चाओ। सो गाइस चांद की रोशनी में नहाने का मज़ा ही कुछ और है, वैसे भी मेरी राशि का स्वामी चांद चंद्रमा ही है, सो चंद्रमा की रोशनी में मुझे और ज़्यादा फ़ायदा ही होगा, इतना ज़्यादा ठंडक मिलती है ऊपर आके, इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है कि मैं बता नहीं सकता। और ये खुली खुली हवा, चांद की रोशनी, टेंट, खुला आसमान, और क्या चाहिए। चलो गुड नाइट।